लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है, लेकिन जब बात आती है बदलने की तो ये बहुत कम ही लोगों ने किया है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इस मेथड को आजमा कर देख ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला के 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताता है। अगर इसको आपने समझ लिया और अपने जीवन में उपयोग कर लिया तो मेरी बात मानो, आप भी अपने सपनों को जल्द ही अपने जीवन में आकर्षित करके अपने सपनों वाली लाइफ जी सकते हैं। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं कि आखिर निकोला टेस्ला ने 369 ही क्यों कहा, क्यों उन्होंने इसे ब्रह्मांड के रहस्य कहा। निकोला टेस्ला केवल महान आविष्कारक और वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि वे नंबर के खेल में भी माहिर थे। निकोला टेस्ला ने 369 नंबर को ब्रह्मांड का चाबी बताया है। उनका कहना था कि यदि आप इस नंबर की भव्यता को, इनकी अद्भुत शक्ति और इनके भीतर छिपे रहस्यों को अगर समझ लेंगे, तो मान लो कि आपने इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ वाइब्रेशन सभी कुछ ब्रह्मांड से ही रिलेटेड है, इसलिए इसे अपने जीवन में समझना बहुत ही आवश्यक है। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी विश्वास था और वो इन नंबर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में कई तरह के प्रयोग किया करते थे। इन भव्य नंबरों को लेकर उनके भीतर इतना जुनून था कि लोग उन्हें सनकी भी कहा करते थे। ये बात सत्य है। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला जब भी अपने ऑफिस के बिल्डिंग में इंटर होते थे, तो इंटर होने से पहले वे अपने ऑफिस के 3 चक्कर लगाया करते थे। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आखिर 3 चक्कर ही क्यों। वे जब भी कुछ खाते थे तो खाने से पहले अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ किया करते थे। अब यहाँ पर बात आ रही है 18 की। पहले मैंने कहा 3, अभी कहा 18। आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आता होगा कि 18 ही क्यों, 3 ही क्यों। अगर वे किसी होटल में ठहरते थे तो उनकी एक खासियत यह थी कि उनके रूम का नंबर 3 से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए, वरना वह उस होटल में नहीं रुकते थे। अगर वे किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में टिप्स भी देते थे तो टिप्स भी उतना ही देते थे जो कि 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो, जैसे $3, $6, $9। कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को वे 3 से डिवाइड करते थे। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेहद यकीन था और वे इन नंबरों को जोड़कर अपने जीवन में तरह तरह के प्रयोग करते रहते थे, और इसी वजह से शायद वे इस दुनिया के महान आविष्कारक भी बन पाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उनके तरह बन पाए, तो आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को सीखना होगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 17 सेकंड सिद्धांत और इन नंबरों को मिलाकर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि 369 नंबर को दिव्य नंबर क्यों कहा गया है और क्यों ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद अटूट, अभेद और अविनाशी नंबर बताया गया है। इसको पूरी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अगर हम एक सर्किल को देखते हैं तो एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। अगर हम 360 डिग्री को इस तरह से देखेंगे तो 3 + 6 + 0 = 9। 360 को अगर हम आधा करते हैं तो 180 डिग्री, यानी कि 1 + 8 + 0 = 9। 180 का आधा 90, यानी कि 9 + 0 = 9। 90 का आधा 45, 4 + 5 = 9। 45 का आधा 22.5, 2 + 2 + 5 = 9। और इस तरह आप अनंत बार कर सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर बार टोटल 9 ही आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ट्रायंगल को देखते हैं तो ट्रायंगल का एंगल होता है 180 डिग्री, यानी कि 1 + 8 + 0 = 9। अगर हम स्क्वायर को देखते हैं तो स्क्वायर का एंगल होता है 360 डिग्री, यानी कि 3 + 6 + 0 = 9। पेंटागोन 540, 5 + 4 + 0 = 9। हेक्सागोन 720, 7 + 2 + 0 = 9। ऑक्टागोन 1080, 1 + 0 + 8 + 0 = 9। इसी तरह डेकागोन 1440, यानी कि 1 + 4 + 4 + 0 = 9। यहाँ पर जितने भी एंगल मैंने बताए, सभी के एंगल के नंबरों का जोड़ 9 ही आएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि क्या सच में 369 नंबर एक अद्भुत नंबर है। तो आइए इसे अब्राहम हिक्स का 17 सेकंड का सिद्धांत से समझते हैं।
जो कि पूरी तरह से आकर्षण के नियम पर ही आधारित है। यह टेक्निक इस माइंडसेट पर काम है कि यदि आप किसी विशुद्ध विचार पर लगातार 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो वह आपका विचार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह विचार आकर्षण के नियम को कार्यशील कर देता है और जो आप सोच रहे थे वही आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। ये बात सुनने में तो अजीब लगती है लेकिन वाकई सच है। अब कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठते हैं कि आखिर 17 सेकंड ही क्यों? क्यों 17 सेकंड की सीमा को निर्धारित की गई है? इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि जब भी आप किसी विशुद्ध विचार पर 17 सेकंड तक लगातार ध्यान केंद्रित या फोकस करते हैं, तो इस समय के पश्चात यह विचार आपके अवचेतन मन में चला जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और इन 17 सेकंड के समय को किसी विचार का इग्निशन पॉइंट माना गया है। इस समय के पश्चात आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लग जाता है और इसी वाइब्रेशंस के अन्य सकारात्मक विचार आना आपके भीतर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशंस बताते हैं कि जिस तरह के वाइब्रेशंस आप अपने भीतर में बना रहे हैं, सेम उसी तरह के वाइब्रेशंस आप बाहर से अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे जैसे बाहर के वाइब्रेशंस आपके भीतर आने लगते हैं, तो आपके अवचेतन मन की शक्ति उस विचार के साथ जुड़ने लगती है। और यदि आप 68 सेकंड्स तक इस विचार को महसूस करते हुए हर रोज इसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे आपका वह विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। अब आपको यह करना है कि 17 सेकंड का सिद्धांत को लेकर आपको लगातार 33 दिन तक सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी कोई इच्छा जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं उसे प्रॉपर तरीके से लिखना है और केवल 17 सेकंड के लिए उस इच्छा पर अपना पूरा ध्यान को केंद्रित करते हुए उसे महसूस करना है। आप जो भी कुछ लिखे हो, जो आप चाहते हो, उसे महसूस करना है। जैसे 17 सेकंड तक आप वो सपना अभी जी रहे हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको महसूस करना है कि 17 सेकंड तक आप अमीर हो, आप उस रियलिटी में जी रहे हो। वो सभी कुछ, आपके सभी डिजायर्स आप अपने जीवन में पा लिए हैं। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी फीलिंग्स में गहराई होनी चाहिए, आपके इंटेंसिटी में गहराई होनी चाहिए। और इसे 17 सेकंड के 3 राउंड आपको हर सुबह करनी है और फिर उस विचार को आपको छोड़ देना है। इस तरह आप 3 नंबर की एनर्जी को अपनी मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। फिर इसी को आपको 6 घंटे के बाद यानी कि दोपहर को 6 बार करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो उस समय आप एक अलग ऊर्जा का अनुभव करेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने सुबह उस विचार को एक नई एनर्जी देकर एक्टिवेट कर दिया था। जब आपने एक्टिवेट कर ही दिया तो आपको सिर्फ उस विचारों में गहराई लाना है और इस बार दोपहर में आपको 6 बार उस गहराई को महसूस करना है। फिर इसी तरह लास्ट राउंड में सोने से ठीक पहले यही काम को आपको 9 बार करनी है और फिर उसी सकारात्मक विचारों के साथ, उसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आपको सो जाना है। अगर आप इसे कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में सुबह 3 के एनर्जी को आपने शामिल किया, दिन में 6 के एनर्जी को शामिल किया और रात को ठीक सोने से पहले सीक्रेट कोड 9 के एनर्जी को शामिल करते हैं। इस तरह से आप अपने मैनिफेस्ट में इन अद्भुत नंबर की ऊर्जा को शामिल करके अपनी मैनिफेस्ट की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हैं। और जरा सोचिए, अगर इसे आप 33 दिन तक करते हैं तो आप 6 के एनर्जी को शामिल करते हैं। इसी तरह यदि आप 45 दिन तक करते हैं तो आप अपनी मैनिफेस्ट में 9 के एनर्जी को शामिल करते हैं। और इस टेक्निक की मदद से आप आकर्षण के नियम को अच्छे तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे। आप जो चाहेंगे उसे आप आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने विचारों में अद्भुत नंबरों की एनर्जी को देकर सक्रिय किया, उसे एक्टिवेट किया। उसके बाद आपने उस विचारों में अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को जोड़ा और इसी वजह से आपके वे विचार बहुत ही जल्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और एक बात तो सत्य है कि जो भी विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जा पा रहे हैं तो उसे मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है और यदि आपने भी इसे सीख कर अपने जीवन में उपयोग कर लिया तो आप भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करने में आपको डेली समय भी नहीं लगते हैं, मात्र 5 मिनट्स। अगर आपने अपने डेली के 5 मिनट्स अपने ऊपर दे दिया
अपने विचारों के ऊपर दे दिया, तो आप भी अपने सपनों को जल्द ही अपने जीवन में आकर्षित करके अपने सपनों वाली लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।